हेलो एवरीवन, दिस इज अदिति पाल. आई एम करेंटली स्टार्टिंग इन थर्ड ईयर फ्रॉम एम्स नागपुर. माय नीट रैंक वाज 4067 एंड आई एम फ्रॉम गया बिहार. टुडे वील बी कंटिन्यूइंग विद द क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट. इन द लास्ट क्लास वी कंप्लीटेड टिल क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. टुडे वील बी स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 9. द नाइंथ क्वेश्चन इज गिव द लोकेशन ऑफ अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इन अ ह्यूमन बॉडी. तो द क्वेश्चन जो है हमसे पूछ रहा है कि वी हैव टू गिव द लोकेशन ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. तो पिछले क्लास में हमने टाइप्स ऑफ जॉइंट्स पढ़ा था, उसमें हीम जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, पाइवट जॉइंट, सैडल जॉइंट एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स हमने देखा था. तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इज द जॉइंट दैट अलाउज द मैक्सिमम रेंज ऑफ मोशन और मैक्सिमम रेंज ऑफ मूवमेंट इन द बॉडी. सो द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इज प्रेजेंट एट मेनली एट टू प्लेसेस, द शोल्डर जॉइंट एज वेल एज द हिप जॉइंट. सो एंड वी सी द मैक्सिमम रेंज ऑफ मोशन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द शोल्डर जॉइंट एंड हिप जॉइंट. So the ball and socket joint is present between humerus and pectoral girdle, glenoid cavity of the pectoral girdle and humerus के बीच जो joint होता है, that is one ball and socket joint, and the second ball and socket joint, that is the hip joint. It is between the femur and acetabulum of hip bone. Or the innominate bone, which is made up of three bones, ilium, ischium, and pubis. So, इस hip bone में एक cavity होती है, that is the acetabulum, and this acetabulum will articulate with the head of the femur to form a ball and socket joint, that is the hip joint. So, there are two joints in our body which are ball and socket joint. One is the shoulder joint, and other is the hip joint. सो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की लोकेशन ह्यूमन बॉडी में हमने बता दी. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर फोर आर्म इज मेड अप ऑफ थ्री डिफरेंट बोन्स एंड वी हैव टू कॉमेंट अपॉन दिस स्टेटमेंट. सो जो फोर आर्म होता है दैट इज मेड अप ऑफ थ्री डिफरेंट बोन्स, दैट इज द ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना. सी सो ये फिगर में हम देख रहे हैं कि देर इज ह्यूमरस एंड दिस ह्यूमरस एंड विच आर्टिकुलेट्स विद द रेडियस टू फॉर्म द एल्बो जॉइंट विच इज अ हिंज जॉइंट. एंड देन जो रेडियस एंड अल्ना है दे विल रेडियस एंड अल्ना में जो रेडियस में अल्नार नॉच होती है, सो दे फॉर्म द दे फॉर्म दीज थ्री बोन्स विल फॉर्म द फोर आर्म, जैसे कि वी कैन सी इन द फिगर. So the forearm is made up of three different bones, that is the humerus, the radius and the ulna. And these bones can be seen in the following figure. So ye hai hamara humerus bone and this is the radius and this is the ulna. Ulna is present in the medial side and radius will be present in the lateral side. Jo anatomical position of the body hoti hai usme jo ulna hai that is in the medial side and the radius is in the lateral side. सो द फोर आर्म इज मेड अप ऑफ थ्री डिफरेंट बोन्स. उसके बाद हम आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पे. शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में द फर्स्ट क्वेश्चन इज विथ रिस्पेक्ट टू रिब केज एक्सप्लेन द फॉलोइंग. तो रिब केज में जो रिब्स होते हैं उनके बारे में हमें एक्सप्लेन करना है. द फर्स्ट इज बायसेफेलिक रिब्स, देन ट्रू रिब्स एंड देन फ्लोटिंग रिब्स. सो बाइसिफेलिक रिब्स, सो नाम से ही पता चल रहा है कि इट हैज टू हेड्स. सिफेलिक का मतलब हेड होता है एंड बाई का मतलब टू. सो इट हैज टू हेड्स और टू आर्टिक्यूलेटिंग सर्फेसिस ऑन इट्स डॉर्सल एंड. सो जो पीछे के तरफ है यानी कि जो डॉर्सल एंड है इन रिब्स का, दे हैव टू आर्टिकुलेटिंग सर्फेसिस. सो इसीलिए हम इन्हें बाइसिफेलिक रिब्स बोलते हैं. सो बाइसिफेलिक रिब्स मतलब जो जो ऑल द रिब्स इन आवर बॉडी हैव टू आर्टिकुलेटिंग सर्फेसिस ऑन द डॉर्सल एंड एंड दैट्स वाई ऑल द रिब्स इन आवर बॉडी आर नोन एज बाइसिफेलिक रिब्स. बाइसिफेलिक यानी टू हेड्स या टू आर्टिकुलेटिंग सर्फेसिस. देन True ribs. True ribs are the first seven pair of ribs. जो ribs हमारे
रिब केज में बोथ द स्टर्नम एंड वर्टिब्रा से कनेक्टेड होते हैं, उन्हें हम ट्रू रिब्स कहते हैं. सो डॉर्सली दे विल बी अटैच टू द थोरैसिक वर्टिब्रा एंड वेंट्रली दे विल बी कनेक्टेड टू द स्टर्नम विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज. सो जो ट्रू रिब्स है दैट आर द दोज आर द फर्स्ट 7 pairs ऑफ रिब्स. तो जो फर्स्ट 7 pairs ऑफ रिब्स है वो आगे तो स्टर्नम से कनेक्टेड रहती है एंड पीछे दे विल बी कनेक्टेड कनेक्टेड बाय दिस टू द थोरैसिक वर्टिब्रा एंड दैट इज वाई दे आर नोन एज ट्रू रिब्स बिकॉज दे आर कनेक्टेड बोथ आगे भी और पीछे भी दे आर कनेक्टेड टू द स्टर्नम आगे तो एंड पीछे दे विल बी कनेक्टेड टू द वर्टिब्रल कॉलम और द थोरैसिक वर्टिब्रा. सो दे आर नोन एज ट्रू रिब्स. देन वी कम टू फ्लोटिंग रिब्स. तो जो फ्लोटिंग रिब्स है नाम से पता चल रहा है दैट दे आर फ्लोटिंग. सो जो फ्लोटिंग रिब्स है दे आर द लास्ट 2 pairs ऑफ रिब्स दैट आर द 11th and 12th. फिगर में भी हम देख सकते हैं दैट द 11th and 12th, ये जो 11th and 12th pair ऑफ रिब्स है दे आर नॉट कनेक्टेड वेंट्रली टू द स्टर्नम एंड दैट इज वाई दे आर नोन एज फ्लोटिंग रिब्स. ये सिर्फ पीछे से वर्टिब्रल कॉलम को कनेक्टेड होते हैं एंड वेंट्रली दे आर नॉट कनेक्टेड टू द स्टर्नम. सो दैट इज वाई दे आर नोन एज फ्लोटिंग रिब्स. ऐसा लगता है दैट दे आर फ्लोटिंग. फिगर में भी वी कैन सी दैट दे अपेयर लाइक दे आर फ्लोटिंग. सो बाइसिफेलिक रिब्स आर द ऑल द रिब्स इन आवर बॉडी हैव टू आर्टिकुलेटिंग सर्फेसिज एट द डॉर्सल एंड. तो इसीलिए हम बाइसिफेलिक रिब्स बोलते हैं. ट्रू रिब्स आर द फर्स्ट 7 pairs ऑफ रिब्स विच आर कनेक्टेड बोथ आगे एंड पीछे, दोनों कनेक्टेड होना चाहिए बोथ वेंट्रली एंड डॉर्सली. एंड देन फ्लोटिंग रिब्स आर द रिब्स विच आर कनेक्टेड ओनली डॉर्सली एंड नॉट वेंट्रली टू द स्टर्नम. सो दे आर नोन एज फ्लोटिंग रिब्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. इन ओल्ड एज पीपल ऑफन सफर फ्रॉम स्टिफ एंड इनफ्लेम्ड joints. What is this condition called and what are the possible reasons for this symptoms? So old age people में जो old age people होते हैं they often suffer from stiff, यानी कि उनके joints stiff हो जाते हैं, यानी उनका movement अच्छे से नहीं होता है, movement में परेशानी होती है and they also become inflamed that is swollen and painful. तो इस condition को क्या कहते हैं and what are the possible reasons for these symptoms. So जो old age में जो people को disease होता है तो एक disease है that is known as the rheumatoid arthritis. So जो rheumatoid arthritis है ये एक autoimmune disorder है, यानी कि जो हम autoimmune यानी कि हमारा खुद का immune system will react against our own body cells. So our खुद का immune system cannot differentiate, means our immune system should fight only against foreign molecules which are harmful, but in this condition our immune system will start fighting against our own body cells, means it cannot distinguish ki kya foreign hai aur kya self molecule hai. So it will start acting against our own body and तो जो बॉडी के एंटीबॉडीज हैं जब हमारे बॉडी के अगेंस्ट ही एक्ट करने लगे तो उसे हम ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं. ऑटो इम्यून यानी कि खुद के अगेंस्ट इम्यूनिटी. सो आवर बॉडीज इम्यून सिस्टम इज रिएक्टिंग अगेंस्ट अस ओनली. सो जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है वो एक ऑटो इम्यून डिजीज है in which antibodies are synthesized which cause inflammation of the synovial membrane. As a result, more synovial fluid is secreted, leading to inflammation. And the articular cartilage, which acts as a shock absorber, is also eroded, leading to pain. So, ये इस disease के वजह से ये एक autoimmune disease है. So जो antibodies हमारे body में produce होंगे, they will go and start acting against the synovial membrane. So synovial membrane का inflammation हो जाएगा एंड इन्फ्लामेशन के वजह से साइनोवियल मेम्ब्रेन और फ्लूइड सिक्रेट करने लगेगी एंड उसके वजह से इन्फ्लामेशन होगा एंड इन्फ्लामेशन के वजह से स्वेलिंग और पेन होगा. उसके बाद जो एंटीबॉडीज हैं दे विल आल्सो एक्ट अगेंस्ट द आर्टिकुलर कार्टिलेज.
तो जो आर्टिकुलर कार्टिलेज हमारे जॉइंट्स में एज अ शॉक एब्जॉर्बर एक्ट करती है वो भी नहीं रहेगी, तो उसके इरोजन के वजह से जो पेन होगा उस शॉक एब्जॉर्बर नहीं है तो ऑब्वियसली मूवमेंट करने में द जॉइंट द टू बोन्स विल गेट इरोडेड एंड उसके वजह से भी पेन होगा. सो जो ओल्ड एज पीपल होते हैं उसमें ऑटो इम्यून उनमें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कॉल्ड रूमेटॉइड आर्थराइटिस, तो ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस के वजह से डिफरेंट जॉइंट्स में पेन होने लगता है, इंफ्लामेशन होने लगता है, क्योंकि जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है उसका इंफ्लामेशन होता है, साइनोवियल फ्लूइड बहुत ज्यादा सिक्रीट होने लगता है, एंड ऑल्सो ड्यू टू द इरोजन ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज के वजह से भी इंफ्लामेशन एंड पेन होने लगता है. So, this was about question number two. Now we come to question number three. Exchange of calcium between bone and extracellular fluid takes place under the influence of certain hormones. What will happen if more of calcium is in extracellular fluid? And what will happen if very less amount of calcium is in the extracellular fluid? So, इसमें कैल्शियम हार्मोन का आर बॉडी फ्लूइड में कैसे रेगुलेशन होता है, दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. एंड सम हार्मोन्स इफेक्ट द लेवल्स ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड, सो वो कैसे रेगुलेट करते हैं द अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड एंड द एक्स्ट्रा इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड द बोन में वो कैसे रेगुलेट करते हैं. सो द रोल ऑफ द लेवल ऑफ जो कैल्शियम इन आर ब्लड इज रेगुलेटेड बाय टू हॉर्मोन्स, दैट इज थायरोकैल्सिटोनिन एंड पैराथायरॉयड हॉर्मोन. जो थायरोकैल्सिटोनिन है दैट इज रिलीज्ड बाय द पैराफोलिकुलर सेल्स ऑफ द थायरॉयड, तो जो पैराफोलिकुलर सेल्स होते हैं थायराइड में दे रिलीज द हार्मोन कैल्सिटोनिन और थायरोकैल्सिटोनिन, एंड जो थायरोकैल्सिटोनिन है दैट डिक्रीजेस द लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड. सो हमें बस दो चीजें याद रखनी है, जो कैल्सिटोनिन है वो कैल्शियम लेवल इन ब्लड को घटाएगा या कम करेगा, एंड जो पैराथायरॉयड हार्मोन है वो कैल्शियम लेवल इन ब्लड को बढ़ाएगा. बस दो चीजें याद रखनी है एंड बाकी तो वी हैव टू प्ले विथ वर्ड्स. सो वी नो दैट कैल्सिटोनिन विल डिक्रीज द लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड, सो इट इज, तो ये रिलीज कब होगा, इट विल बी रिलीज वेन देर इज मोर कैल्शियम इन द ब्लड. सो ये रिलीज तब होगा वेन देर इज वेन द लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड इंक्रीजेस एंड इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द बोन्स. तो इसका काम है ब्लड में कैल्शियम को कम करना. सो ये रिलीज कब होगा, जब ब्लड में कैल्शियम ज्यादा है, एंड इट विल इनहिबिट द रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन्स. देन कम्स पैराथायरॉयड हार्मोन. पैराथायरॉयड हार्मोन ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ाता है. सो ये रिलीज कब होगा, कि रिलीज कब होगा, जब ब्लड में कैल्शियम कम होगा, एंड इट विल ऑल्सो कॉज एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड. तो ये इंटेस्टाइन से भी कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन इनहेंस कराएगा, ताकि कैल्शियम लेवल इन द ब्लड एट द एंड कैल्शियम लेवल इन द ब्लड शुड इंक्रीज. सो एंड इट इज रिलीज बाय पैराथायरॉयड ग्लैंड्स. सो इट एंड इट ऑल्सो कॉजेज रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द बोन्स इन टू द ब्लड, क्योंकि इसका काम ही है कैल्शियम लेवल इन द ब्लड को बढ़ाना. तो हमें इस चीज को दिमाग में रखते हुए सोचना है कि ये बोन से भी कैल्शियम का रिलीज कराएगा, इंटेस्टाइन से भी कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कराएगा, सो दैट द कैल्शियम लेवल इन ब्लड इंक्रीजेस. तो अभी क्या है क्वेश्चन नंबर ए, व्हाट विल हैपन इफ मोर ऑफ कैल्शियम इज इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. सो अगर मोर ऑफ कैल्शियम है इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, तो हमें पता है कि कैल्सिटोनिन डिक्रीज करता है कैल्शियम लेवल. सो अगर देर इज इंक्रीज कैल्शियम इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, तो इट विल स्टिम्युलेट द थायरॉयड ग्लैंड टू रिलीज थायरोकैल्सिटोनिन which inhibits the release of calcium ions from the into the blood from the bone. So जब calcium ions ज्यादा है blood में तो thyrocalcitonin का release होगा, and it will inhibit the release of calcium from bones into the blood, so that calcium level in the blood decreases.
Then what will be the effect of very less amount of calcium CA2 plus in the extracellular fluid? तो अगर extracellular fluid में या blood में calcium कम है तो क्या release होगा? तो parathyroid hormone release होगा. So decrease in CA2 plus ions will stimulate the release of parathyroid hormone from the parathyroid gland, which causes calcium ions to release from the bones. And अगर calcium ions bone से release होंगे तो ब्लड में जाएंगे एंड फाइनली ब्लड में जो कैल्शियम आयंस का लेवल है दैट विल इंक्रीज. सो ये इफेक्ट होगा. वी हैव टू रिमेम्बर ओनली टू थिंग्स दैट थायरोकैल्सिटोनिन और कैल्सिटोनिन इज रिलीज्ड फ्रॉम द पैराफॉलिकुलर सेल्स ऑफ थायरॉइड एंड इट डिक्रीजेस द लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड, वेयर एज पैराथायरॉयड हॉर्मोन इज रिलीज फ्रॉम द पैराथायरॉयड ग्लैंड एंड इट इंक्रीजेस द लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड. तो बस ये दो चीजें याद रखनी है और इसके आगे का अपने आप से सोच के आंसर करना है. तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे. नेम एटलीस्ट टू हॉर्मोन्स विच रिजल्ट इन फ्लक्चुएशन ऑफ CA2 प्लस लेवल. तो हमें इसमें टू हॉर्मोन्स बताने हैं विच रिजल्ट्स इन फ्लक्चुएशन ऑफ CA2 प्लस लेवल. तो हमने अभी अभी ये किया ये सेम क्वेश्चन कि रोल ऑफ हॉर्मोन्स इन कैल्शियम रेगुलेशन. सो द लेवल ऑफ कैल्शियम आयंस इन द ब्लड इज रेगुलेटेड बाय टू हॉर्मोन्स, थायरोकैल्सिटोनिन एंड पैराथायरॉयड हॉर्मोन. तो अभी हमने ये क्वेश्चन किया कि कौन सा टू हॉर्मोन्स है विच रिजल्ट इन फ्लक्चुएशन ऑफ CA2 प्लस लेवल. तो पहला तो हमारा हॉर्मोन है थायरोकैल्सिटोनिन रिलीज्ड फ्रॉम पैराफॉलिकुलर सेल्स ऑफ थायरॉयड ग्लैंड एंड इट डिक्रीजेस कैल्शियम लेवल इन द ब्लड, वेयर एज पैराथायरॉयड हॉर्मोन विच इज रिलीज फ्रॉम द पैराथायरॉयड ग्लैंड्स एंड इट इंक्रीजेस कैल्शियम लेवल इन द ब्लड. सो टू मेन हॉर्मोन्स कौन से हैं विच रेगुलेट द फ्लक्चुएशन ऑफ CA2 प्लस लेवल? सो दे आर थायरोकैल्सिटोनिन और कैल्सिटोनिन एंड PTH और पैराथायरॉयड हॉर्मोन. ये हॉर्मोन्स हैं जो कैल्शियम के रेगुलेशन को फ्लक्चुएशन को के दे रिजल्ट इन द फ्लक्चुएशन ऑफ CA2 प्लस लेवल्स. तो ये हमें हमने दो बार सेम क्वेश्चन कर लिया. सो नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 5. सो क्वेश्चन नंबर 5 है, राहुल एक्सरसाइजेस रेगुलरली बाय विजिटिंग अ जिम्नेशियम, ऑफ लेट ही इज गेनिंग वेट, व्हाट कुड बी द रीजन? चूज द करेक्ट आंसर एंड इलैबोरेट. राहुल हैज गेन्ड वेट ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ फैट्स, राहुल हैज गेन्ड वेट ड्यू टू इंक्रीज्ड मसल एंड लेस ऑफ फैट, राहुल हैज गेन्ड वेट बिकॉज हिज मसल शेप हैज इम्प्रूव, राहुल हैज गेन्ड वेट बिकॉज ही इज एक्युमुलेटिंग वाटर इन द बॉडी. सो कौन सा रीजन होगा? आप में से बहुत कोई जिम जाते होंगे तो आपको पता है हम जिम क्यों जाते हैं. सो द मोटिव ऑफ अस गोइंग टू जिम इज टू डिक्रीज द बॉडी फैट. हमें बॉडी फैट डिक्रीज करना है एंड वी हैव टू बिल्ड आर मसल्स. सो द मसल मास विल रिप्लेस द बॉडी फैट प्रेजेंट इन आर बॉडी. सो आर मोटिव इज टू डिक्रीज द फैट, डिक्रीज फैट. सो एक्युमुलेशन ऑफ फैट करने के लिए कोई भी जिम नहीं जाएगा. सो दिस इज अ वेरी नॉनसेंस ऑप्शन बट स्टिल दे आर ट्राइंग टू नो इफ यू नो द करेक्ट रीजन. सो एक्यूमुलेशन ऑफ फैट तो नहीं होगा. एक्यूमुलेटिंग वॉटर इन द बॉडी आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ इज दिस इवन पॉसिबल. देन ही हैज गेन वेट बिकॉज हिज मसल शेप हैज इम्प्रूव. हाँ मसल का शेप इम्प्रूव तो होगा क्योंकि मसल टोनिंग होगी बट वी डोंट सी एनी रीजन फॉर मसल टोनिंग टू इंक्रीज द वेट. सो राहुल हैज गेन वेट ड्यू टू इंक्रीज मसल एंड लेस ऑफ फैट. सो ये दिस इज द बेस्ट ऑप्शन दैट इज एक्सप्लेनिंग द आंसर कि उसका मसल मास इंक्रीज हो रहा है एंड फैट इज डिक्रीजिंग एंड दैट इज व्हाई ही इज गेनिंग वेट. सो राहुल हैज गेन्ड वेट बिकॉज हिज मसल शेप हैज चेंज्ड, रेगुलर एक्सरसाइज इंक्रीजेस द बॉडी मसल एज देयर इज एन इनलार्जमेंट ऑफ मसल्स ड्यू टू इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ सार्कोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया, एक्सरसाइज ऑल्सो इम्प्रूव्स द मसल टू फैट रेशियो रेशियो एंड दस अलाउ अलाउ अलाउइंग हिम टू गेन मास एंड साइज ऑफ बॉडी मसल एंड सब्सिक्वेंट रिडक्शन इन फैट कंटेंट. सो
रिडक्शन इन फैट कंटेंट होगा एंड ऑल्सो देयर विल बी बिल्डिंग अप ऑफ मसल मास बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ सार्कोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया. सो जो मसल का सार्कोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया है इट विल इंक्रीज एंड उसके इंक्रीज के वजह से द मसल मास विल इंक्रीज बट द फैट कंटेंट विल सब्सिक्वेंटली रिड्यूस एंड उसके वजह से द फैट इन द बॉडी विल डिक्रीज एंड मसल मास विल इंक्रीज. सो जब भी कोई एक्सरसाइज करता है सो वी आर मोटिव इज टू डिक्रीज द फैट एंड बिल्ड मसल. सो ये तो सही है कि फैट इज बर्न ड्यूरिंग एक्सरसाइज बट द रेट एट विच मसल इज बिल्डिंग अप मे बी मोर देन द रेट एट विच फैट इज बींग बर्न. So weight gain is normally observed in those people who regularly do muscle training. This is due to increase in muscle mass. As the myofibers become thickened, they cause enlargement of the skeletal muscle and increase protein synthesis and mitochondria. So क्या हो रहा है हमारे बॉडी में जब हम रिगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं जिम जा रहे हैं. सो द मसल्स में जो सिंथेसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड सार्कोप्लाज्म है दैट इज इंक्रीजिंग एंड फैट इज ऑल्सो बर्निंग बट द फैट जो बर्न हो रहा है उसका रेट विल बी स्लोअर देन द इंक्रीज इन मसल मास. सो फैट तो धीरे धीरे कम होगा बट मसल मास उसके पहले ही इंक्रीज होगा एंड उसके वजह से वी विल सी दैट देर इज वेट गेन फर्स्ट एंड वेट रिडक्शन इज सीन. वेट कम होना शुरू होगा पर कुछ दिनों के बाद व्हेन व्हेन द फैट रिडक्शन इज सिग्निफिकेंट. सो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे. राधा वॉज रनिंग ऑन अ ट्रेडमिल एट अ ग्रेट स्पीड फॉर 15 मिनट्स कंटिन्यूअसली. शी स्टॉप द ट्रेडमिल एंड एब्रप्टली केम आउट. फॉर द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स शी वॉज ब्रीदिंग हेविली और फास्ट. Answer the following questions. What happened to her muscles when she did strenuously when she strenuously exercised? How did her breathing rate change? तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि राधा एक ट्रेडमिल पे कंटिन्यूअसली 15 मिनट से भाग रही थी एंड शी स्टॉप एंड शी एब्रप्टली केम आउट. अचानक से वो बाहर आ गई तो उसके मसल्स को क्या हुआ व्हेन शी वाज स्ट्रेनसली एक्सरसाइजिंग. सो तो जब राधा कंटिन्यूसली एक्सरसाइज कर रही थी तो उसके मसल्स को सफर्ड इनॉर्मस फटीग बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड विद इन मसल्स. सो जो लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन होता है दैट लीड्स टू पेनफुल क्रैम्प्स. तो जब राधा 15 मिनट्स तक कंटिन्यूअसली ट्रेडमिल पर भाग रही थी तो 15 मिनट्स तक कंटिन्यूअसली भागने की वजह से उसका उसके जो मसल्स हैं उनमें जो डिमांड थी ऑक्सीजन की वो ज्यादा थी एंड बिकॉज ऑफ दैट हर मसल्स वेंट इनटू एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड बिकॉज ऑफ दैट लैक्टिक एसिड वाज एक्युमुलेटेड इन द मसल्स व्हिच लेड टू पेनफुल क्रैम्स. और उस जब राधा 15 मिनट से कंटिन्यूसली भाग रही होगी सो उसके पैर पैर में वो क्रैम्स का पेन फील हो रहा होगा एंड शी विल ऑल्सो बी फीलिंग इनॉर्मस फटीग कि उसके शी कांट रन एनी मोर और शी हैज टू स्टॉप एंड टेक सम रेस्ट सो दैट शी इज एबल टू कंटिन्यू रनिंग. सो शी सो 15 मिनट्स के बाद उसके पैर में क्रैम्प्स होने स्टार्ट हो गए होंगे एंड शी वुड ऑल्सो बी फीलिंग द नीड टू स्टॉप एंड रेस्ट फॉर सम टाइम एंड उसके उसका ब्रीदिंग रेट भी चेंज हो गया था. इट वॉज हैवी एंड फास्ट. सो हैवी और फास्ट सो हर ब्रीदिंग रेट चेंज फ्रॉम नॉर्मल टू हाई एज ड्यूरिंग एक्सरसाइज हर बॉडी मसल रिक्वायर्ड मोर ऑक्सीजन फॉर एटीपी प्रोडक्शन एंड मोर ऑक्सीजन के लिए हमें रेस्पिरेशन अपना रेस्पिरेशन भी इंक्रीज करना पड़ेगा. हेंस हर ब्रीदिंग रेट बिकम्स मोर रैपिड इन ऑर्डर टू टेक मोस्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोस्फेयर. सो जो उसका ब्रीदिंग रेट है वो भी इंक्रीज हो गया है बिकॉज शी वॉन्ट्स टू टेक मोर ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोस्फेयर एंड मोर ऑक्सीजन लेने के लिए उसे अपना ब्रीदिंग रेट इंक्रीज करना पड़ेगा. तो इसीलिए उसका ब्रीदिंग रेट भी हैवी है और फास्ट है बिकॉज शी नीड्स टू टेक मोर बिकॉज द डिमांड फॉर ऑक्सीजन.
इसलिए उसका ब्रीदिंग रेट हैवी या फास्ट है। देन वी कम टू क्वेश्चन नंबर 7, राइट अ फ्यू लाइंस अबाउट गाउट। तो हमें गाउट के बारे में फ्यू लाइंस लिखनी है। सो गाउट इज व्हाट? गाउट इज अ डिजीज इन विच यूरिक एसिड लेवल्स इन द बॉडी इंक्रीजेस। सो गाउट एक ऐसा डिजीज है विच इज ड्यू टू डिफेक्ट इन प्यूरिन मेटाबॉलिज्म। तो प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म होता है तो उसमें डिफेक्ट की वजह से प्यूरिन्स आर एडेनाइन एंड गुआनाइन। हमें पता है कि दे आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो जब न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन होता है तो उसमें ये डीएनए और आरएनए में प्रेजेंट होते हैं ये न्यूक्लियोटाइड्स प्यूरिन्स। सो जो प्यूरिन मेटाबॉलिज्म में डिफेक्ट के वजह से जो डिजीज होता है उसे हम गाउट बोलते हैं। एंड इट कॉजेज एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेस ऑफ यूरिक एसिड एंड इट्स क्रिस्टल्स इन द जॉइंट्स। तो गाउट में देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेस ऑफ यूरिक एसिड एंड वो यूरिक एसिड क्रिस्टल्स भी बना लेता है इन द जॉइंट्स। एंड बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स इन द जॉइंट्स द जॉइंट्स गेट स्वेलन एंड द फर्स्ट जॉइंट टू बी इन्वॉल्व इज टार्सो मेटाटार्सल जॉइंट। द फर्स्ट जॉइंट इज टू बी इन्वॉल्व इज ऑफ द टो मेटाटार्सो फालेंजियल फर्स्ट ग्रेट टो। सो जो ग्रेट टो होता है जो उसका जो मेटाटार्सो फालेंजियल जॉइंट है दैट इज द फर्स्ट टू बी इन्वॉल्व इन दिस डिजीज एंड वो स्वेलन हो जाता है। सो देयर एक्यूमुलेशन इन द जॉइंट्स लीड्स टू गाउटी आर्थराइटिस। एंड जो यूरिक एसिड एंड यूरिक एसिड क्रिस्टल्स जाके जॉइंट्स में डेपॉजिट होते हैं उसके वजह से देयर इज स्वेलिंग इन्फ्लामेशन एंड अ लॉट ऑफ पेन इन द जॉइंट्स एंड गाउट। इसे हम कहते हैं गाउटी आर्थराइटिस। एंड द एक्सेस ऑफ यूरेट्स इन ब्लड कैन ऑल्सो लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ स्टोन्स इन द किडनीज। सो जो गाउट डिजीज है दैट इज ड्यू टू डिफेक्ट इन प्यूरिन मेटाबॉलिज्म। एंड डिफेक्ट इन प्यूरिन मेटाबॉलिज्म के वजह से देर इज एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेस ऑफ यूरिक एसिड। एंड एक्सेस ऑफ यूरिक एसिड एक्यूमुलेशन के वजह से जो यूरिक एसिड है दैट विल ऑल्सो फॉर्म क्रिस्टल्स। एंड क्रिस्टल्स के वो सबसे पहले जाके एक्यूमुलेट होंगे इन द ग्रेट टो के मेटाटार्सोफालेंजियल जॉइंट पे। एंड इट विल रिजल्ट इन द इंफ्लामेशन एंड स्वेलिंग ऑफ द जॉइंट्स एंड आल्सो पेन इन द जॉइंट्स व्हिच इज नोन एज गाउटी आर्थराइटिस। एंड जो यूरेट्स हैं दे कैन आल्सो एक्यूमुलेट इन द किडनी किडनी और जो हमारे यूरेटर्स हैं उनमें एक्यूमुलेट होके दे कैन आल्सो रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ किडनी स्टोन्स। सो दिस इज द डिजीज कॉल्ड नोन एज गाउट व्हिच इज ड्यू टू अ डिसऑर्डर इन प्यूरिन मेटाबॉलिज्म। देन वी कम टू क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सो वी नो दैट मसल कॉन्ट्रैक्शन का सोर्स ऑफ एनर्जी या फिर हमारे बॉडी में किसी भी चीज का सोर्स ऑफ एनर्जी इज एटीपी एटीपी एंड एटीपी। सो एटीपी इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। द हेड ऑफ ईच मायोसिन, हमने देखा था कि मायोसिन में एटीपीएस एंजाइम होता है एंड दैट एटीपीएस एंजाइम विल क्लीव एटीपी इनटू एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ एनर्जी। सो द प्रेजेंस ऑफ दिस एंजाइम अलोंग विद कैल्शियम एंड देन मैग्नीशियम आयंस एंड द एटीपी मॉलिक्यूल ब्रेक्स डाउन इनटू एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट दस रिलीजिंग एनर्जी इन द हेड ऑफ मायोसिन। एंड दिस एनर्जी के वजह से जो मायोसिन है वो एक्टिन से बाइंड करता है एंड दिस वे इनिशिएट्स कॉन्ट्रैक्शन। सो जो एक्टिन और मायोसिन के क्रॉस ब्रिजेस की जॉइनिंग होती है वो एटीपी के एनर्जी रिलीज करने की वजह से ही होती है। सो व्हेन एटीपी से मायोसिन एटीपीएस एटीपी को क्लीव करता है इनटू एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड एनर्जी। तो इस एनर्जी के रिलीज होने के वजह से द क्रॉस ब्रिजेस जो है दे विल
bind with actin and fine, and they will move and result in muscle contraction. So जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है वो हमारा उसके लिए जो एनर्जी सोर्स है दैट इज एटीपी एंड एटीपी ब्रेक्स डाउन इनटू एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड एनर्जी एंड दिस एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिजेस एंड ऑल्सो द पुलिंग ऑफ आवर एक्टिन फाइबर्स एंड फाइनली शॉर्टनिंग ऑफ द मसल फाइबर एंड रिजल्टिंग इन कॉन्ट्रैक्शन. सो एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन कम्स फ्रॉम एटीपी. Now we come to question number 9. What are the points for articulation of pelvic and pectoral girdles? So जो pelvic and pectoral girdles हैं उसमें points of articulation क्या होते हैं? So pelvic girdle, pectoral girdle में हमने देखा है कि जो pectoral girdle है that consists of two bones that is clavicle and scapula and जो scapula में there is glenoid cavity for the articulation of humerus bone of the upper arm. So jo pectoral girdle hai that is composed of above two bones scapula and clavicle. ये जो स्कैपुला है ये ऐसा ट्रायंगुलर बोन है एंड इसके यहाँ एक ग्लेनॉइड कैविटी है दैट विल आर्टिकुलेट विद द ह्यूमरस टू फॉर्म द शोल्डर जॉइंट. सो ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशन इन द पेक्टोरल गर्डल. सो पेक्टोरल गर्डल में जो पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशन है वो है स्कैपुला का ग्लेनॉइड कैविटी दैट आर्टिकुलेट्स विद ह्यूमरस टू फॉर्म शोल्डर जॉइंट. Then we come to pelvic girdle. तो जो pelvic girdle है that is formed by two innominate bones, two separate bones से बनता है and उन bones का भी part है ilium, ischium and pubis मिला के एक innominate bone बनाते हैं एक side का and इधर भी same होता है and इधर point of articulation है that is a cavity known as acetabulum and acetabulum is the point of articulation which articulates with femur to form hip joint. So pectoral girdle में जो point of articulation है that is glenoid cavity and जो pelvic girdle में point of articulation है that is the acetabulum. Acetabulum हमारा hip joint बनाता है and जो glenoid cavity है वो shoulder joint बनाने में help करता है. उसके बाद वी कम टू लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस. सो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में जो फर्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन इन ब्लड अफेक्ट्स मसल कॉन्ट्रैक्शन डज इट लीड टू टिटैनी इन सर्टेन केसेस हाउ विल यू कोरिलेट फ्लक्चुएशन इन ब्लड कैल्शियम टिटैनी. सो कैल्शियम आयन कॉन्सेंट्रेशन जो है उसका कंसेंट्रेशन इन ब्लड विल अफेक्ट मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है वो कैसे अफेक्ट होता है एंड व्हाट इज टेटनी. टेटनी टेटनी क्या है एंड ये जो कैल्शियम आयन कॉन्सेंट्रेशन है हाउ डज इट अफेक्ट मसल कॉन्ट्रैक्शन. सो हमने पहले ही पढ़ा था द रोल ऑफ थायरोकैल्सिटोनिन एंड पैराथायरॉयड हॉर्मोन. सो जो कैल्शियम कंसेंट्रेशन इन ब्लड है दैट इज वेल रेगुलेटेड बाय थायरोकैल्सिटोनिन एंड पैराथायरॉयड हार्मोन एंड हमें ये भी पता है कि जो कैल्शियम आयंस है दे आर स्टोर्ड इन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन मसल्स एंड ऑल्सो कैल्शियम आयंस आर नीडेड फॉर इनिशिएटिंग द कॉन्ट्रैक्शन. कैल्शियम आयंस दे ऑल्सो प्ले अ रोल इन मसल कॉन्ट्रैक्शन. सो so first of all ki the level of calcium ion in the blood is regulated by two hormones that is thyrocalcitonin and parathyroid hormone. ye to hame pata hai ki thyrocalcitonin and parathyroid hormone jo hain wo blood mein calcium ke levels ko regulate karte hain. so jo thyrocalcitonin hai wo blood mein calcium ke level ko kam karta hai and jo parathyroid hormone hai wo blood mein calcium ke level ko badhata hai. so एंड जो कैल्शियम आयंस है दे प्ले अ मेजर रोल इन मसल कॉन्ट्रैक्शन. सो हाउ विल यू कोरिलेट फ्लक्चुएशन इन ब्लड कैल्शियम विद टेटनी. सो टेटनी व्हाट इज टेटनी. टेटनी इज बेसिकली सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल.
यानी कि सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल हो रहा है विदाउट एनी रिलैक्सेशन एंड दैट इज ऑल्सो पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन. सो सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल जब होता है देन दैट इज नोन एज टेटनी. एंड वाई डज टेटनी अकर? टेटनी अकर्स ड्यू टू डिक्रीज इन द लेवल ऑफ कैल्शियम आयन्स इन द ब्लड. सो जो वेन एवर देर इज डिक्रीज इन द लेवल ऑफ कैल्शियम आयन्स इन द ब्लड एंड ये कैल्शियम जाके ज्यादा मसल्स तक जा रहा है एंड ब्लड में कम है ये. सो बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन द हाइपोसिक्रेशन ऑफ पैराथायरॉयड हॉर्मोन, जो पैराथायरॉयड हॉर्मोन है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग कैल्शियम लेवल्स इन द ब्लड. एंड अगर ब्लड में जो कैल्शियम का लेवल एक पर्टिकुलर लेवल होता है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए एंड उससे कम नहीं होना चाहिए. सो इफ देर इज हाइपोसिक्रीशन यानी कि रिक्वायर्ड लेवल्स से कम है कैल्शियम इन द ब्लड एंड अगर कम है ये कैल्शियम एंड देर इज नो एंड देर इज ऑल्सो हाइपोसिक्रीशन ऑफ पैराथायरॉयड हॉर्मोन, तो पैराथायरॉयड हॉर्मोन इस कम कैल्शियम को सिक्रीट बढ़ाने के लिए सिक्रीट नहीं हो पा रहा है, यानी कि पैराथायरॉयड हॉर्मोन के सिक्रीशन में भी कमी है. सो उसके वजह से देर इज डिक्रीज इन द लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड. सो कैल्शियम ब्लड में कम है एंड इसके वजह से देर इज सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स एंड दैट सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स इज नोन एज टेटनी. सो ब्लड कैल्शियम से टेटनी का क्या रिलेशन है? So the decrease in level of parathyroid hormone causes the amount of blood calcium to decrease and जब blood calcium decrease होता है then it leads to tetany or tetany. So tetany is basically due to less calcium in the blood and less calcium in the blood is due to hyposecretion of parathyroid hormone which is responsible for increasing calcium levels in the blood. Now we come to question number 2. An elderly woman slipped in the bathroom and had severe pain in her lower back. After X-ray examination, doctors told that it is due to a slipped disc. What does that mean and how does it affect our health? So, एक old woman है and उसके उस उसको वो washroom में गिरने के वजह से उन्हें severe pain हो रहा है in the lower back. So, doctor ने बताया कि उन्हें slipped disc की problem है. So, what is it? And how does it affect your health? So, जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि जो वर्टिब्रा होते हैं इन मैमल्स, they have intervertebral disc located in between the vertebra of the vertebral column, and it is fibrocartilaginous in nature and it acts as a cushion and absorbs shock. So, कभी कभी जो intervertebral discs होते हैं, they get dislocated from there. पोजिशन एंड दिस कंडीशन इज नोन एज स्लिप्ड डिस्क. तो जो हमने इंटरवर्टिब्रल डिस्क पढ़ा था जो कि टू वर्टिब्रा के बीच होते हैं इन आर वर्टिब्रल कॉलम, सो दे आर अ काइंड ऑफ फाइब्रो कार्टिलेज विच एक्ट एज अ कुशन एंड शॉक एब्जॉर्बर इन आर वर्टिब्रल कॉलम. सो इन सम केसेस देर इज अ डिसलोकेशन ऑफ दीज इंटरवर्टिब्रल डिस्क. तो ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क जब अपने पोजिशन से डिसलोकेट हो जाती है तो उसे हम कहते हैं द कंडीशन इज नोन एज स्लिप्ड डिस्क. एंड इसका इफेक्ट क्या पड़ता है हमारे हेल्थ पे? सो डिसलोकेशन ऑफ द डिस्क कैन रिजल्ट इन प्रेसिंग ऑफ द नर्व्स बाय द डिस्क एंड प्रेसिंग ऑफ द नर्व्स बाय द डिस्क के वजह से इट कैन रिजल्ट इन सीवियर पेन एंड इन द लॉन्ग टर्म there can be permanent nerve damage if the patient is not treated. So agar hame slipped disc ki problem hoti hai so it can result, to jo hamare vertebra hote hain wahan pe bahut sari nerves pass hoti hain, so dislocation of the disc can result in the pressing of the nerves by the disc and this can result in severe pain and in long term there can be permanent nerve damage. Another long term if side effect would be saddle anesthesia. So as the lady is diagnosed with a slipped disc, it means that her intervertebral disc has been dislocated and the pain she felt can be due to the nerves being pressed by the slipped disc. So humne dekha ki jo elderly woman hai, when she fell that may have resulted
in the dislocation of her intervertebral disc, which are present between the vertebra, and they act as a cushion and shock absorber. So उस lady का intervertebral disc dislocate हो गया, and हमारे body में कोई भी चीज dislocate होगी, so it can compress on the structures surrounding. तो उसके वजह से कुछ nerves का compression हुआ, and that is causing pain in her lower back. अगर वी डोंट ट्रीट दिस वुमन सो इट कैन रिजल्ट इन लॉन्ग टर्म कंप्रेशन ऑफ द नर्व एंड इट कैन कॉज परमानेंट नर्व डैमेज. सो सो तो हमें समझ आया कि वाई इज द लेडी सफरिंग विथ पेन ड्यू टू द स्लिप्ड डिस्क एंड वॉट इफेक्ट कैन इट हैव ऑन हर हेल्थ सब्सिक्वेंटली. तो उन्हें जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट लेना चाहिए इस स्लिप डिस्क का, एंड एक्सरसाइजेस करना चाहिए, एंड वॉट एवर द डॉक्टर टेल्स हर उन्हें वो करना चाहिए, बिकॉज दिस कैन लीड टू परमानेंट नर्व डैमेज फर्दर इन हर लाइफ. नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 3. एक्सप्लेन स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन विद नीट स्केचेस. तो हमें स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी उसे हमें समझाना है. सो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पहले कौन किस चीज को अप्लाई करती है. सो द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी इज एप्लीकेबल टू स्मूथ कार्डियक एंड स्केलेटल मसल्स ओनली. सो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी जो स्मूथ कार्डियक एंड स्केलेटल मसल्स यानी मसल्स की थ्योरी है ये स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी. हाउ डू मसल्स कॉन्ट्रैक्ट उसकी थ्योरी को हम बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी. सो दिस इज द कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ अ मसल फाइबर विच इज नोन एज सार्कोमेयर. तो हम इसी के अंदर क्या क्या होता है हम वो देखने वाले हैं. तो सबसे पहले ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन थिन मायोफिलामेंट स्लाइड इनवर्ड्स टुवर्ड्स द एच जोन. यानी कि जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है सो जो ये थिन फिलामेंट्स हम देख रहे हैं यानी कि जो एक्टिन फिलामेंट्स हैं दे विल स्लाइड इनवर्ड. तो एक्टिन फिलामेंट्स अंदर की ओर जाती हैं ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन. तो ये हम देख सकते हैं दिस इज द ओरिजिनल लेंथ. और जैसे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो मसल्स का साइज शॉर्टन होता है क्योंकि जो एक्टिन फिलामेंट्स हैं जो या जो थिन मायोफिलामेंट्स हैं वो अंदर की ओर जा रही हैं. सो ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन थिन मायोफिलामेंट्स स्लाइड इनवर्ड्स टुवर्ड्स द एच जोन. सो ये एच जोन है जहां कोई भी सो ये एच जोन है जहां पे सिर्फ मायोसिन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं. सो जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो एक्टिन फिलामेंट स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द एच जोन. सो इससे क्या होता है कि द सार्कोमेयर विच इज द बेसिक यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन विल शॉर्टन विदाउट चेंजिंग द लेंथ ऑफ थिन एंड थिक मायोफिलामेंट्स. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्पेस है. तो जब मसल फाइबर ये है हमारा कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ सार्कोमेयर. सो व्हेन द मसल कॉन्ट्रैक्ट्स द सार्कोमेयर शॉर्टन्स बट द लेंथ ऑफ थिन एंड थिक मायोफिलामेंट्स दैट इज एक्टिन एंड मायोसिन रिमेन्स सेम. क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे भी स्पेस आपको दिख रही है और यहाँ पे भी स्पेस दिख रही है. तो जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बस स्लाइडिंग होगी यानी कि ये फिलामेंट्स अब यहाँ पे आ जाएंगे यहाँ तक आ जाएंगे और जो हमारे मायोसिन फिलामेंट्स है वो अपने जगह पे रहेंगे और एक्टिन फिलामेंट्स उन पे स्लाइड करते हुए अंदर की ओर आ जाएंगे. सो दिस एज अ होल जो सार्कोमेयर की लेंथ है दैट विल डिक्रीज पर जो एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स की लेंथ है दैट विल रिमेन द सेम. देन द क्रॉस ब्रिज ऑफ द थिक मायोफिलामेंट्स कनेक्ट विद द portions of actin of the thin myofilaments. These cross bridge move on the surface of thin myofilaments resulting in the sliding of thick and thin myofilaments over each other. So जो हम मायोसिन देख रहे हैं मायोसिन जो हमारा अंदर की तरफ है we can see that it has cross bridges यानी कि इसमें कुछ bristles की तरह है इन्हें हम cross bridges कहते हैं. And they are interacting with the thin myofilaments of the actin and they cross bridges जो हैं they move on the surface of thin myofilaments
तो जो ये छोटे छोटे क्रॉस ब्रिजेस है, दे विल मूव ऑन द सर्फेस ऑफ एक्टिन एंड दैट विल रिजल्ट इन स्लाइडिंग. तो ये ऐसे बस मूव करेंगे एंड ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट स्लाइड करेंगे एंड स्लाइड करने के वजह से द लेंथ ऑफ सार्कोमियर विल डिक्रीज. सो इससे क्या होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा. सो इससे हमें पता चलता है कि द थिन एंड थिक मायोफिलामेंट्स जस्ट स्लाइड ओवर ईच अदर. नाउ द लेंथ ऑफ थिक एंड थिन मायोफिलामेंट्स डू नॉट चेंज ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन. तो ये मैंने आपको पहले भी बताया, ये स्पेस की वजह से दे विल जस्ट स्लाइड अगेंस्ट ईच अदर एंड द लेंथ ऑफ सार्कोमियर विल डिक्रीज बट द लेंथ ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स विल रिमेन सेम. अ मसल फाइबर मेंटेन्स अ रेस्टिंग पोटेंशियल अंडर रेस्टिंग कंडीशन जस्ट लाइक अ नर्व फाइबर. एज सून एज अ नर्व इम्पल्स रीचेस द टर्मिनल एंड ऑफ एक्सॉन, स्मॉल सैक्स कॉल्ड साइनैप्टिक वेसिकल्स फ्यूज विद द एक्सॉन मेम्ब्रेन एंड रिलीज अ केमिकल ट्रांसमीटर कॉल्ड एसिटाइल कोलिन. इट डिफ्यूजेस अक्रॉस द साइनैप्टिक क्लेफ्ट एंड बाइंड्स टू द रिसेप्टर साइट्स ऑफ मोटर एंड प्लेट. सो इसमें ये कुछ नहीं है, इसमें आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए. जैसे ही एक मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन यानी कि जो नर्व एंड जो मसल होता है उसके बीच में एक जंक्शन होता है जिसे हम न्यूरो मस्कुलर जंक्शन बोलते हैं. तो ये आपका नर्व है, ये आपका मसल, ये आपका मसल है, आप ऐसा मान लीजिए. तो यहाँ पे जब यहाँ पे इम्पल्स आएगा सो द वेसिकल्स विल फ्यूज एंड द दे विल बी रिलीज्ड इन द साइनैप्टिक क्लेफ्ट एंड इसके अंदर एसिटाइल कोलीन होगा एंड दिस एसिटाइल कोलीन विल गेट रिलीज्ड एंड बाइंड टू द एसिटाइल कोलीन रिसेप्टर. सो यही लिखा है कि व्हेन जो हमारा नर्व इम्पल्स है वहां पहुंचता है तो स्मॉल सैक्स कॉल्ड साइनैप्टिक वेसिकल्स विल साइनैप्स एंड रिलीज अ केमिकल ट्रांसमीटर कॉल्ड एसिटाइल कोलीन एंड जो एसिटाइल कोलीन है दैट विल डिफ्यूज अक्रॉस द साइनैप्टिक क्लेफ्ट एंड बाइंड टू द रिसेप्टर साइट्स. तो जैसे ही ये बाइंड करेगा तो डीपोलराइजेशन हो जाएगा ऑफ द मोटर एंड प्लेट एंड इट विल क्रिएट एन एक्शन पोटेंशियल एंड दिस एक्शन पोटेंशियल के बाद दिस एक्शन पोटेंशियल के बाद जो है हमारा कैल्शियम रिलीज होना स्टार्ट होगा इन द मसल फाइबर एंड कैल्शियम आयन्स विल बाइंड टू ट्रोपोनिन कॉजिंग अ चेंज इन इट्स शेप एंड पोजिशन एंड दिस इन टर्न ऑल्टर्स द शेप एंड पोजिशन ऑफ ट्रोपोमायोसिन एंड एक्सपोजेस द एक्टिव साइट्स ऑन द एफ एक्टिन मॉलिक्यूल एंड मायोसिन क्रॉस ब्रिजेस आर देन एबल टू बाइंड टू दीज एक्टिव साइट्स. यानी कि जो अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं कि जब ये एसिटाइल कोलीन इस मसल फाइबर को बाइंड करता है तो ये मसल फाइबर अंडरगोस डीपोलराइजेशन एंड हमें पता है कि मसल फाइबर के सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर देर आर कैल्शियम आयंस स्टोर्ड. सो यहाँ कैल्शियम आयंस रिलीज हो जाते हैं एंड दीज कैल्शियम आयंस विल बाइंड टू ट्रोपोनिन. ये ट्रोपोनिन से जाके बाइंड करते हैं एंड ट्रोपोनिन से बाइंड करने की वजह से इट एक्सपोजेस साइट्स ऑन एक्टिन. तो अब एक्टिन जो है वो मायोसिन एक्टिव साइट्स एक्सपोज हो गई हैं सो इट इज केपेबल ऑफ बाइंडिंग टू मायोसिन. तो अब एक्टिन और मायोसिन विल बी एबल टू बाइंड टू ईच अदर. तो ये रोल होता है हमारा कैल्शियम का कि कैल्शियम के वजह से द एक्टिन एंड मायोसिन कैन जॉइन ईच अदर. उसके बाद द हेड ऑफ ईच मायोसिन मॉलिक्यूल्स कंटेन एन एंजाइम कॉल्ड एटीपीएस. इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपीएस, ये हमने पहले देखा था कि मायोसिन में मायोसिन एटीपीएस होता है एंड उसके वजह से जो एटीपी है वो तो ब्रेक डाउन करता है, एनर्जी रिलीज होती है एंड दिस एनर्जी विल कॉज. अब तो हमारा मायोसिन एक्टिन से बाइंड कर सकता है एंड बाइंड करने के बाद जब एटीपी का ब्रेक डाउन हुआ इनटू एटीपी एंड एनर्जी तो दिस एनर्जी विल कॉज द स्लाइडिंग ऑफ मायोसिन ऑन द एक्टिन फिलामेंट. सो द एनर्जाइज्ड क्रॉस ब्रिज मूव कॉजिंग द थिन मायोफिलामेंट्स टू स्लाइड अलोंग द थिक मायोफिलामेंट्स
दिस मूवमेंट इज लाइक मूवमेंट ऑफ द ओर्स ऑफ अ बोट. सो इस मूवमेंट के वजह से देर इज शॉर्टनिंग ऑफ द इंटायर सार्कोमेयर, एंड शॉर्टनिंग ऑफ द सार्कोमेयर के वजह से देर इज मसल कॉन्ट्रैक्शन, बट द लेंथ ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स विल रिमेन द सेम. तो हमने देखा कि कैसे एक इंपल्स जो है, हमें बस तीन चीजें याद रखनी है. इंपल्स आता है मसल फाइबर तक थ्रू न्यूरो मस्कुलर जंक्शन. इस इंपल्स के वजह से द मसल गेट्स डीपोलराइज्ड, विच रिजल्ट्स इन द रिलीज ऑफ कैल्शियम आयंस, एंड ये कैल्शियम आयंस एक्सपोज द एक्टिव साइट्स ऑन एक्टिन, जिससे एक्टिन एंड मायोसिन का बाइंडिंग पॉसिबल हो सकता है. उसके बाद एटीपी प्रेजेंट होना चाहिए, बिकॉज एटीपी जो एनर्जी रिलीज करता है उस एनर्जी को यूज करके ही द क्रॉस ब्रिजेस ऑफ मायोसिन कैन स्लाइड ओवर एक्टिन, विच कैन रिजल्ट इन मसल कॉन्ट्रैक्शन और सार्कोमेयर शॉर्टनिंग. तो ये हो गया शॉर्ट में, आप ऐसे याद रखेंगे, एंड इसको एक्सप्लेन करना है आपको व्हेन इट कम्स फॉर अ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. देन वी कम टू क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज हाउ डज अ मसल शॉर्टन ड्यूरिंग इट्स कॉन्ट्रैक्शन एंड रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म ड्यूरिंग रिलैक्सेशन. तो ये सेम टाइप, सेम तरह का क्वेश्चन है कि कैसे कॉन्ट्रैक्शन के दौरान मसल शॉर्टन हो जाता है, एंड व्हेन रिलैक्सेशन होता है तो ये अपने ओरिजिनल फॉर्म पे आ जाता है. तो कॉन्ट्रैक्शन तक तो हमने पिछले क्वेश्चन में देख लिया कि कॉन्ट्रैक्ट कब होगा मसल फाइबर, व्हेन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट, उसके वजह से मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा. सो जब एटीपी मॉलिक्यूल विल जॉइन द एक्टिव साइट और ऑन मायोसिन हेड ऑफ मायोसिन मायोफिलामेंट, सो एटीपी जब ब्रेक डाउन होगा एटीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, उस एनर्जी के वजह से जो हमारा मायोसिन हेड है दैट विल स्लाइड अलोंग द एक्टिन मायोफिलामेंट, एंड स्लाइडिंग रोटेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज हुआ, एंड देन स्लाइडिंग और रोटेशन होगा, जिसके वजह से देर विल बी मसल कॉन्ट्रैक्शन. द एनर्जाइज्ड क्रॉस ब्रिज ब्रिजेस मूव, कॉजिंग द अटैच्ड एक्टिन फिलामेंट्स टू मूव टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए बैंड. द जेड लाइन इज ऑल्सो पुल्ड इनवर्ड्स, कॉजिंग शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमेयर. इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव एक्सप्लेनेशन दैट ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ए बैंड्स रिटेन लेंथ व्हाइल आई बैंड्स आर रिड्यूस्ड. तो जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो हम देख सकते हैं कि ये हमारा ए बैंड है, दैट इज एनाइसोट्रोपिक बैंड, एंड दिस इज आर आई बैंड और आइसोट्रोपिक बैंड. तो जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो एक्टिन फिलामेंट्स मूव एंड कम टुवर्ड्स द सेंटर. तो ए बैंड का जो लेंथ है दैट रिमेन्स द सेम, वाइल आई बैंड जो कि एनाइसोट्रोपिक बैंड है उसका जो लेंथ है वो डिक्रीज हो जाता है ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन. अब स्लाइडिंग एंड रोटेशन के बाद जो मायोसिन हेड है दैट विल रिलीज द एटीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, एंड इट विल रिलैक्स टू इट्स लो एनर्जी स्टेट. और जैसे ही वो एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को रिलीज करेगा, द हेड विल डिटैच फ्रॉम एक्टिंग फिलामेंट्स व्हेन न्यू एटीपी मॉलिक्यूल जॉइंस एंड क्रॉस ब्रिजेस आर ब्रोकन. सो ये एडीपी एंड पीआई को रिलीज कर दिया इस मायोसिन हेड ने. जैसे ही एक नया एटीपी यहाँ आके अटैच करेगा, देन देयर विल बी ब्रेकिंग. सो व्हेन अ न्यू एटीपी मॉलिक्यूल विल कम एंड जॉइन विद द मायोसिन हेड, देन इट विल गेट डिटैच्ड फ्रॉम एक्टिन मायोफिलामेंट्स, एंड फिर से ये साइकिल रिपीट होगी. फिर से एटीपी एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में ब्रेक होगा, एंड दैट विल रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ एनर्जी, एंड दिस एनर्जी इज यूटिलाइज्ड बाय द एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स टू स्लाइड ओवर ईच अदर. एंड उसके बाद एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हो जाएंगे, एंड जैसे ही एक नया एटीपी मॉलिक्यूल आके मायोसिन हेड से ज्वाइन करेगा, वैसे ही देयर विल बी डिटैचमेंट ऑफ मायोसिन हेड फ्रॉम एक्टिन मायोफिलामेंट्स, एंड द साइकिल विल कंटिन्यू अगेन.
मसल रिलैक्सेशन कब होता है? मसल रिलैक्सेशन तब होता है व्हेन कैल्शियम आयंस आर पंप्ड बैक टू द सारकोप्लाज्मिक रेटिकुलम दस ब्लॉकिंग द एक्टिव साइट्स एंड एक्टिंग मायोफिलामेंट्स. तो मसल कॉन्ट्रैक्शन तभी कम होगा जब देर इज सीजिंग ऑफ रिलीज ऑफ कैल्शियम. कैल्शियम ही सारा स्टार्ट करवा रहा है एक्सपोजिंग द एक्टिव साइट्स एंड एक्टिंग. तो जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक मसल कॉन्ट्रैक्ट करते रहेगा. सो मसल रिलैक्सेशन के लिए देर शुड बी डिक्रीज ऑफ कैल्शियम इन द सार्कोप्लाज्म. एंड ये सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम के अंदर वापस पंप बैक जब तक नहीं होगा तब तक मसल कॉन्ट्रैक्शन होते रहेगा. देन वी कम टू क्वेश्चन नंबर 5. डिस्कस द रोल ऑफ कैल्शियम आयंस इन मसल कॉन्ट्रैक्शन. ड्रॉ नीट स्केचेस टू इलस्ट्रेट योर आंसर. सो हमें मसल कॉन्ट्रैक्शन में कैल्शियम आयंस का रोल डिस्कस करना है. सो व्हाट इज द रोल ऑफ कैल्शियम आयंस इन मसल कॉन्ट्रैक्शन? सो द फर्स्ट इज कैल्शियम प्लेस अ की रेगुलेटरी रोल इन मसल कॉन्ट्रैक्शन. These ions bind to troponin, causing a change in its shape and position. And troponin को bind करने की वजह से troponin का shape and position change हो जाता है. That alters the shape and position of tropomyosin. And tropomyosin के shift की वजह से it exposes the sites on F actin molecule. And myosin cross bridges are able to bind to these active sites. द कंप्लीट प्रोसेस इज शोन इन द फिगर. तो जो जब भी कैल्शियम विल बाइंड टू, सबसे पहले कैल्शियम विल बाइंड टू ट्रोपोनिन कॉजिंग अ चेंज इन इट्स शेप एंड पोजिशन. ट्रोपोनिन के चेंज शेप एंड पोजिशन की वजह से ट्रोपोमायोसिन का शेप एंड पोजिशन चेंज हो जाता है. ट्रोपोमायोसिन का शेप और पोजिशन अगर चेंज हुआ तो उससे there is exposure of active sites on the F actin molecules and myosin cross bridges are able to bind to these active sites. So the head of each myosin molecules contains an enzyme called myosin ATPase. In the presence of myosin ATPase, calcium फिर से आता है यहाँ पे and magnesium ions. ATP is broken down into ADP and inorganic phosphate and energy, and the energy released in this reaction is utilized by the muscle or the actin myosin cross bridges to bind with actin and as well as to cause sliding and rotation. So calcium ka kya kya role hua in muscle contraction? First of all, calcium will bind to troponin and cause a change in its shape and position. The change in shape and position of troponin will cause myosin to change, tropomyosin to change its shape and position. जिसके वजह से there will be exposure of active sites on actin myofilaments, and actin myofilaments में exposure of active sites हो जाएगा, so that myosin can bind to those active sites on actin myofilament. And जब तक myosin bind नहीं करेगा तब तक muscle contraction नहीं होगा. So it plays a very important role in muscle contraction. And also जो myosin ATPase होता है which is present in the myosin head. तो जो मायोसिन एटीपीएज होता है दैट आल्सो रिक्वायर्स कैल्शियम आयंस फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग. जो मायोसिन एटीपीएज विल ब्रेक डाउन एटीपी इनटू एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड दैट आल्सो रिक्वायर्स कैल्शियम आयंस. दिस रिएक्शन आल्सो रिक्वायर्स कैल्शियम आयंस. सो दिस रिजल्ट्स इन द रिलीज ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी विल कॉज energized myosin cross bridges to bind with actin, and it will also help in causing the rotation or sliding of actin and myosin filaments. So this is the role of calcium ions in muscle contraction. Now we come to question number 6. Differentiate between पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल. तो हमें पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल के बीच में डिफ्रेंशिएट करना है. सो पेक्टोरल गर्डल जो है विच इज प्रेजेंट इन द अपर बॉडी और द शोल्डर गर्डल इज नोन एज पेक्टोरल गर्डल, वेयर एज द हिप गर्डल इज नोन एज द पेल्विक गर्डल. तो इनमें क्या डिफरेंसेस है? तो फर्स्ट इज द लोकेशन. सो द पेक्टोरल गर्डल इज प्रेजेंट इन द शोल्डर रीजन, whereas the pelvic girdle is located in the hip region. Then
लोकेशन के बाद, दिस इज बेस्ड ऑन लोकेशन, देन व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स? पेक्टोरल बॉडी इज मेड अप ऑफ टू बोन्स, दैट इज क्लाविकल एंड स्कैपुला, वेर एज द पेल्विक गर्डल इज मेड अप ऑफ टू इनॉमिनेट बोन्स, विच आर इन टर्न मेड अप ऑफ थ्री बोन्स, दैट इज इलियम, इस्ट्रियम एंड प्यूबिस. यानी कि टू सेपरेट बोन्स हैं, एंड इसमें भी जो टू सेपरेट बोन्स हैं ये थ्री बोन से बने हैं, इलियम, इस्ट्रियम एंड प्यूबिस. तो ये थ्री बोन्स जो हैं ये मिला के हमारा एक इनॉमिनेट बोन बनाते हैं, एंड टू इनॉमिनेट बोन से बनता है हमारा पेल्विक गर्डल. देन जो पेक्टोरल गर्डल के टू हाफ्स हैं वो फ्यूज्ड नहीं है, दे आर फार अपार्ट, वेर एज द पेल्विक गर्डल के जो टू हाफ्स हैं दे आर फ्यूज्ड एट द प्यूबिक सिंफाइसिस. तो प्यूबिक सिंफाइसिस पे ये दोनों फ्यूज्ड हैं. देन जो शोल्डर गर्डल होता है उसमें ग्लेनॉइड कैविटी होती है स्कैपुला में, दैट फॉर्म्स बॉल एंड सॉकेट जॉइंट विद द ह्यूमरस. वेयर एज जो पेल्विक गर्डल होता है उसमें कप शेप्ड कैविटी कॉल्ड एसिटाबुलम होती है, विच फॉर्म्स हिप जॉइंट विद द फीमर. देन द ग्लेनॉइड कैविटी प्रेजेंट इन द पेक्टोरल गर्डल इज कंपैरेटिवली शैलो, वेयर एज द एसिटाबुलम इज कंपैरेटिवली डीप. यानी कि जो ग्लेनॉइड कैविटी है विच इज प्रेजेंट इन द पेक्टोरल गर्डल वो उतना डीप नहीं है, दैट इज कंपैरेटिवली शैलो, वेयर एज द एसिटाबुलम इज कंपैरेटिवली डीप. देन इट गिव्स आर्टिकुलेशन टू फोर लिम बोन्स, वेयर एज इट गिव्स आर्टिकुलेशन टू हाइंड लिम बोन्स. ऑब्वियसली लोकेशन डिफरेंट है, सो दे विल वन विल आर्टिकुलेट विद द फोर लिम बोन्स एंड अदर विल आर्टिकुलेट विद हाइंड लिम बोन्स. द बैक मसल्स आर अटैच्ड टू द पेक्टोरल गर्डल. सो जो पेक्टोरल गर्डल होता है उससे हमारे बैक के मसल्स अटैच होते हैं, वेर एज हिप मसल्स विल बी अटैच्ड टू द पेल्विक गर्डल. देन द पेक्टोरल गर्डल इज रिलेटिवली लेस स्ट्रॉन्ग, वेर एज द पेल्विक गर्डल इज रिलेटिवली मोर स्ट्रॉन्ग, बिकॉज द पेल्विक गर्डल हैज टू बेयर द वेट ऑफ द एंटायर बॉडी, वेर एज द पेक्टोरल गर्डल में उतना वेट बियरिंग नहीं है. द वेट बियरिंग द होल वेट ऑफ आर बॉडी इज ट्रांसफर टू द पेल्विक गर्डल. सो पेल्विक गर्डल इज रिलेटिवली मोर स्ट्रॉन्ग, वेर एज द पेक्टोरल गर्डल इज रिलेटिवली लेस स्ट्रॉन्ग. सो वी सॉ द डिफरेंसेस, द बोन्स दे आर मेड अप ऑफ, वेदर दे आर फ्यूज और नॉट, वॉट टाइप ऑफ ज्वाइंट्स दे टेक पार्ट इन फॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑफ, देन वॉट आर द मसल्स अटैच टू द पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल. फाइनली विच गर्डल इज स्ट्रोंगर, सो द पेल्विक गर्डल इज मोर इज स्ट्रोंगर देन द पेक्टोरल गर्डल. देन दे बोथ हैव कैविटीज, ग्लेनॉइड कैविटी प्रेजेंट इन द पेक्टोरल गर्डल, वेर एज एसिटाबुलम प्रेजेंट इन द पेल्विक गर्डल. ग्लेनॉइड कैविटी इज कंपैरेटिवली शैलोअर देन द एसिटाबुलम विच इज डीपर, एंड देन दे आर्टिकुलेट विद द फीमर टू द हिप. द पेल्विक गर्डल आर्टिकुलेट्स विद फीमर टू फॉर्म हिप जॉइंट, वेर एज द पेक्टोरल गर्डल आर्टिकुलेट्स विद ह्यूमरस टू फॉर्म शोल्डर जॉइंट. तो ये हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी खत्म होते हैं. सो वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.